एवं न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। उत्तर भारत में बिगड़ते मौसम ने अपना कहर बरपाया। अचानक बिगड़े मौसम ने पूरे देश में 71 लोगों की जान ले ली। सबसे ज्यादा 42 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। वहीं मौसम विभाग के डायरेक्टर ने कहा कि अभी भी पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में मौसम बिगड़ने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का आज एम्स में सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। कि जेटली को रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। किडनी की बीमारी से ग्रस्त केंद्रीय मंत्री का पिछले एक महीने से डायलिसिस हो रहा था। 6 अप्रैल को एक ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी बीमारी की पुष्टि की थी। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हो रही वोटिंग के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अलीपुर द्वार में 5 पत्रकार घायल हो गए हैं। वहीं मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने खुद के द्वारा मारपीट किए जाने के मामले में सफाई देते हुए कहा कि भाजपा का एजेंट बैलेट बॉक्स लेकर भागना चाह रहा था। अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन लोगों ने कहा भागने दो, मैंने अपने हाथ का उपयोग करते हुए लोगों को दूर किया। SC ST एक्ट को लेकर घिरी मोदी सरकार अब बड़ा फैसला लाने वाली है। एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही अध्यादेश ला सकती है। इस अध्यादेश को लाने के बाद सरकार इस विधेयक के रूप में संसद में पेश करेगी। 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अन्य कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा पर आपत्ति जताई है। कर्नाटक चुनाव प्रचार में पीएम मोदी के द्वारा कांग्रेस को लेने के देने पर जाएंगे वाले बयान पर कांग्रेस ने घोर आपत्ति जताई है। चिट्ठी में साफ लिखा गया है कि प्रधानमंत्री कांग्रेस को धमकाने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के पहले ही कांग्रेस ने अगले सीएम के नाम को लेकर बहस शुरू हो गई है। पार्टी अब तक सिद्धरमैया को सीएम पद का उम्मीदवार बताती रही है, लेकिन सिद्धरमैया ने कहा है कि अगर कांग्रेस किसी दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाती है तो वो उनके लिए राजी हैं। दलित मुख्यमंत्री के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में सेक्शन 306 और 498A के तहत चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 306 के तहत शशि थरूर पर सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा घरेलू हिंसा या पत्नी के साथ क्रूरता का भी उल्लेख किया गया है। संवाददाता निजामुद्दीन राजन के मुताबिक पीलीभीत पूरनपुर तहसील के अधिवक्ता एसोसिएशन ने जनपद न्यायालय इलाहाबाद के अधिवक्ता राजेंद्र श्रीवास्तव की निर्मम हत्या व बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरुद्ध प्रदर्शन किया और मृतक राजेंद्र श्रीवास्तव के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की मांग महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन पूरनपुर तहसील आनंद प्रकाश राय को दिया। मेरा नाम संजय पांडे एडवोकेट है। एक तहसीलदार को जो ज्ञापन दिया गया है महामहिम राज्यपाल नाम से दिया गया है। एक इलाहाबाद में जो परसों घटना हुई, अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव का दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और ये हत्या बहुत ही निंदनीय है। अधिवक्ता समाज में बहुत गहरा रोष व्यक्त है। यदि अधिवक्ता समाज को न्याय नहीं मिला तो हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके लिए शासन और प्रशासन को हम लोग जिम्मेदार इसलिए ठहराते हैं क्योंकि खुलेआम एक हत्या होना एक कानून की निष्ठा पर संदेह का विषय है। जाता सबूत है जीता जाता और पूरे प्रदेश में इसी प्रकार का वातावरण बना हुआ है। ये बहुत ही चिंता की बात है और बार एसोसिएशन इस पर गहरा दुख और गहरी चिंता प्रकट करती है। और ये मुआवजा जो सुनने में आया है कि 20 लाख रुपए का मुआवजा जो है घोषित कर दिया, ये बहुत कम है और ये 50 लाख रुपए कम से कम मुआवजा मृतक आतंक के परिवार को होना चाहिए। और सरकार को मैं तो ये कहता हूँ मुआवजे की जरूरत ही ना पड़े, ऐसी कानून व्यवस्था प्रदेश में होनी चाहिए कि हर आदमी जो है अच्छी जिंदगी जी सके और अपने को सुरक्षित महसूस करे, लेकिन वो वातावरण है। दिल्ली में CCTV कैमरे लगाने को लेकर LG आवास तक जा रहे जुलूस को बीच में ही रोक दिया गया। ऐसे में जुलूस का नेतृत्व कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान केजरीवाल के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, अलका लांबा सहित दिल्ली के अन्य अलग विधायक शामिल हुए। पाकिस्तान के विख्यात शायर फैज अहमद फैज की बेटी मोनिजा हाशमी को उनकी भारत यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में कथित तौर पर हिस्सा लेने से रोक दिया जाने का मामला सामने आया है। प्रसिद्ध मीडिया हस्ती मोनिजा हाशमी नई दिल्ली में 10 से 12 मई तक चलने वाले 15वें एशिया मीडिया समिट में वक्ता के तौर पर आमंत्रित थी।
अपनी रचनाओं में हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने वाले बाल कवि वैरागी पंचतत्व में विलीन हो गए। 87 साल के बाल कवि वैरागी ने कल शाम मध्य प्रदेश के मनासा स्थित अपने आवास पर आखिरी सांस ली। हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह ने लखनऊ के VVIP गेस्ट हाउस में बैठक कर खुद को हिंदू युवा वाहिनी भारत नाम के संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। इस मामले में तूल पकड़ा तो व्यवस्था अधिकारी RK सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निलंबित भी कर दिया गया। इस मामले में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री EPK मल्ल ने कहा कि VVIP गेस्ट हाउस में हुई बैठक का हिंदू युवा वाहिनी से कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दो समुदायों के बीच भड़की हिंसा में चौंकाने वाली बात सामने आई है। उपद्रव के दौरान का एक नया वीडियो सामने आया है। औरंगाबाद के शागन चमन इलाके के इस वीडियो में सांसद चंद्रकांत खेरे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रकांत खेरे के आसपास पुलिस वाले भी हैं और दंगाई भी वीडियो ने साफ दिखाया गया है कि पुलिस के मौजूद होने के बावजूद भी दंगाई गाड़ियों को आग के हवाले कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला हमीरपुर के सोहदा थाना क्षेत्र से है। यहां की रहने वाली एक महिला से दरोगा पर रेप का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार दरोगा ने उसका MMS भी बनाया। जिस दरोगा पर आरोप लगाया जा रहा है वह गोरखपुर में तैनात है। महिला के मुताबिक पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी करती नजर आ रही थी, लेकिन आला अधिकारियों के हस्तक्षेप करने के बाद मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और एक्टर विक्की कौशल की फिल्म राजी को बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म में आलिया भट्ट ने एक जासूस की भूमिका निभाई है। आलिया भट्ट की राजी 2018 की टॉप 5 फिल्मों में शामिल भी हो गई है। इसके साथ ही फिल्म की 3 दिन की कमाई लगभग 32.94 करोड़ रुपये है। दिन भर की खास खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए 1 न्यूज़ TV।